गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पीएपी केमिस्ट्री क्लासेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी को स्वस्थ होंगे। चलिए स्वस्थ रहिए और घर पे पढ़िए। आज केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें लोग पिछले क्लासेस में केमिकल्स इन मेडिसिन स्टार्ट किए थे। तो केमिकल्स इन मेडिसिन में हम लोग ट्रांक्विलाइजर्स पढ़े थे, एंटीसेप्टिक पढ़े थे, डिसइंफेक्टेंट पढ़े थे। नेक्स्ट है हमारे पास एंटासिड्स, चौथा नंबर एंटासिड्स। चलिए एंटासिड्स को भी लॉक करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। एंटासिड्स किसको बोला जाएगा? एंटासिड्स आर द केमिकल्स व्हिच रिड्यूसेस एसिडिटी, गैस्ट्रिक एंड करेक्ट पीएच वैल्यू इन स्टोमेक। एंटासिड्स वैसा केमिकल्स है जो घटाता है, क्या घटाएगा? एसिडिटी को, पेट में एसिडिटी को घटाएगा, अम्लता को घटाएगा, गैस्ट्रिक को घटाएगा, गैस जो बन जाता है उसको घटाएगा एंड पीएच वैल्यू को सही करेगा, ताकि डाइजेशन प्रक्रिया जो है वो सही तरीके से चले। तो एंटासिड्स वैसा केमिकल्स है जो एसिडिटी को घटाएगा, गैस्ट्रिक को घटाएगा और पेट में पीएच वैल्यू को ठीक करेगा, ठीक रखेगा, उसको बोलेंगे क्या? एंटासिड्स। The instant time मतलब आंत has acidic medium, आंत में acidic medium होता है, अम्लता होता है, due to the formation of acid during digestion। जब भोजन का पाचन होता है तो पाचन सिस्टम के दौरान HCl डेवलप होता है और उस HCl डेवलप होने के वजह से instant time में आंत में acidity डेवलप होती है, acidity medium होता है। The excess of acidity, जब ज्यादा एसिडिटी आ जाता है, ज्यादा अम्लता आ जाएगा, लीड्स टू द गैस्ट्रिक एंड अल्सर, और वही गैस्ट्रिक और अल्सर का कारण बन जाता है। इसे सीखिए, इंस्टेंट टाइम में आंत में अम्लता मीडियम होने का वजह क्या है? HCl, जो HCl डेवलप होता है कब? जब भोजन का पाचन होता है। वही अगर एसिडिटी ज्यादा हो जाएगा पेट में तो क्या हो जाता है, क्या बन जाता है? गैस्ट्रिक बन जाता है या अल्सर का रूप ले लेता है। तो उस केस में हम लोग ज्यादातर जो एंटासिड्स यूज करते हैं, कॉमनली यूज एंटासिड्स जो साधारण तौर पे यूज करते हैं, जब एसिड है भाई तो हम लोग तो बेस लेना पड़ेगा, तब तो न्यूट्रल होगा। तो हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, MgOH टाइम्स, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या पहले से भी पढ़े होंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि एक अच्छा एंटासिड्स है, जो एक अच्छा बेस है। कॉमर्शियली ज्यादातर जो हम लोग व्यापारिक रूप से एंटासिड्स यूज करते हैं, व्यापारिक रूप से, वो है इनो। सबको जानते हैं भाई इनो, जब कब लिया जाता है? जब एसिडिक हो जाता है पेट में। डाइजिन, एलिगार्ड, PH4, ये सभी जो है वो कॉमर्शियली यूज एंटासिड्स है। तो ये सब क्या करेगा? एसिडिटी को ठीक करेगा, गैस्ट्रिक को ठीक करेगा, पीएच वैल्यू को सही रखेगा। ओमेपेराजोल एंड लेंसोपेराजोल, ओमेपेराजोल और लेंसोपेराजोल दो केमिकल हैं, आर यूज टू प्रिवेंट गैस्ट्रिक, ये गैस्ट्रिक को रोकेगा, वाइल रेनिटिडाइन एंड सिमेटिडाइन, रेनिटिडाइन एंड सिमेटिडाइन, ये दोनों बहन है क्या? नहीं भाई, दोनों केमिकल है। रेनिटिडाइन एंड सिमेटिडाइन आर यूज टू प्रिवेंट अल्सर, और अल्सर को रोकेगा रेनिटिडाइन और सिमेटिडाइन। मतलब गैस्ट्रिक को रोकने के लिए अलग दवा, अल्सर को रोकने के लिए अलग दवा। गैस्ट्रिक को रोकने के लिए क्या मिल रहा है? ओमेपेराजोल और लेंसोपेराजोल, और अल्सर को रोकने के लिए क्या मिल रहा है? रेनिटिडाइन और सिमेटिडाइन। याद रखेंगे किसी क्या बोला जा रहा है? एंटासिड्स वैसा केमिकल्स जो पेट में पीएच वैल्यू को सही रखेगा, एसिडिटी को घटाएगा, गैस्ट्रिक को घटाएगा। आंत में एसिडिटी होने का वजह क्या है? HCl का डेवलप होना जब भोजन का पाचन होगा। ज्यादातर एसिडिटी अल्सर और गैस्ट्रिक का रूप ले लेता है। तो उस केस में हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट ले सकते हैं, नहीं, या कॉमर्शियली की बात करेंगे तो एलिगार्ड, PH4, डाइजिन, इनो, ये सब लेंगे। ओमेपेराजोल और लेंसोपेराजोल यूज किया जाएगा गैस्ट्रिक का ट्रीटमेंट में, और रेनिटिडाइन और सिमेटिडाइन यूज किया जाएगा अल्सर का ट्रीटमेंट में। क्लियर है? यहां से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है एंटीमाइक्रोबियल्स, एंटीमाइक्रोबियल्स। तो एंटीमाइक्रोबियल्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना नहीं, माइक्रो। एंटीमाइक्रोबियल्स आर द केमिकल्स व्हिच आर यूज्ड टू क्योर डिजीज कॉज्ड फ्रॉम बैक्टीरिया, फंगी, वायरसेस।
एंटी माइक्रोबियल्स वैसा केमिकल्स है विच आर यूज, जो इसको यूज किया जाता है टू क्योर, ठीक होने के लिए, क्या कौन सा बीमारी, डिजीज कॉज बाय, वैसे बीमारी जो होता है किससे, बैक्टीरिया से, फंगी से, वायरस से, वायरस फंगी बैक्टीरिया से जो होता है उस बीमारी को, उस बीमारी से ठीक होने के लिए हम लोग क्या लेंगे, एंटी माइक्रोबियल्स। एंड इट इंक्लूड्स, और देखो भाई लोहा लोहा को काटता है, तो बैक्टीरिया को मारने के लिए क्या चाहिए, एंटी बैक्टीरिया, वायरस को मारने के लिए एंटी वायरस वही चाहिए, फंगी को मारने के लिए एंटी एंटी फंगी होना चाहिए। इट इंक्लूड्स एंटी बैक्टीरियल, बैक्टीरिया को मारेगा कौन, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी वायरल। द डिजीज कॉज फ्रॉम दिस टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन सा बीमारी होगा, तो द डिजीज कॉज फ्रॉम दिस टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इस प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बीमारी होगा, डिसेंट्री, दस्त होगा, टीबी जिसको ट्यूबरक्लोसिस के नाम से जानते हैं, एचआईवी, चिकन पॉक्स, ये सब होगा इस टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। बात समझ में आ रही है। सल्फर, अब देखो एंटी माइक्रोबियल्स के अंदर कौन सा ड्रग आएगा, तो सल्फर ड्रग वाज द फर्स्ट इफेक्टिव एंटी माइक्रोबियल्स, सल्फर ड्रग जो है वो पहला इफेक्टिव प्रभावशाली एंटी माइक्रोबियल्स है विच इज यूज टू क्योर फ्रॉम दिस टाइप ऑफ डिजीज, और जिसको यूज किया जाएगा इस टाइप का डिजीज को ठीक करने के लिए। सल्फा ड्रग, सल्फा ड्रग पहला ड्रग ऐसा था जिसको एंटी माइक्रोबियल के रूप में यूज किया गया। अब सल्फा ड्रग क्या होता है, तो सल्फा ड्रग आर द ग्रुप ऑफ ड्रग्स, एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स है विच आर डेरिवेटिव्स ऑफ पारा अमीनो बेंजीन सल्फोनामाइड, ये पारा अमीनो बेंजीन सल्फोनामाइड का डेरिवेटिव्स होगा, इसमें बहुत सारे ड्रग्स आएंगे। तो इसके अंदर आएगा सल्फाडाइजिन, देखिए सबके नाम के पहले सल्फा मिलेगा, सल्फाडाइजिन, सल्फावेनिडाइन, सल्फावेलिन, ये सब सभी जो है वो एंटी माइक्रोबियल्स है। तो देखो हुआ क्या, एंटी माइक्रोबियल्स संक्षिप्त में कहानी याद रखिए, एंटी माइक्रोबियल्स वैसे केमिकल्स हैं जो उस टाइप का बीमारी को ठीक किया जाएगा जो होता है बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा और फंगी के द्वारा। ये इंक्लूड करेगा एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और फिर क्या, एंटी वायरल, इस टाइप, इस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया, वायरस और आपका ये फंगी, इन सभी से जो बीमारी डेवलप होगा वो कौन कौन सा बीमारी डेवलप होगा सर, तो आपको डिसेंट्री हो सकता है, टीबी हो सकता है, एचआईवी हो सकता है, चिकन पॉक्स हो सकता है। तो इस टाइप के बीमारी से बचने के लिए हम लोग को एंटी माइक्रोबियल्स लेना पड़ेगा, और एंटी माइक्रोबियल्स पहला एंटी माइक्रोबियल्स कौन था, पहला प्रभावशाली एंटी माइक्रोबियल्स, तो सल्फा ड्रग। सल्फा ड्रग क्या बोलेंगे, कि सल्फा ड्रग इज द ग्रुप ऑफ ड्रग्स विच आर द डेरिवेटिव्स ऑफ पारा अमीनो बेंजीन सल्फोनामाइड, एक सल्फा ड्रग जो है ये ग्रुप ऑफ ड्रग होता है जो पारा अमीनो बेंजीन सल्फोनामाइड का डेरिवेटिव्स होता है, इसके अंदर सल्फा डाइजीन, सल्फा वैनिडीन, सल्फा वैलिन, ये सब सभी जो है वो एंटी माइक्रोबियल्स है। बात समझ आ रही है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, जबरदस्त इंपॉर्टेंट, करेक्ट इंपॉर्टेंट है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, गर्भ निरोधक दवा। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स किसको बोला जाएगा, तो द केमिकल विच कंट्रोल प्रेगनेंसी, वैसा केमिकल जो प्रेगनेंसी को कंट्रोल करता है आर कॉल्ड एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, उसको एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स बोला जाएगा या बर्थ कंट्रोल ड्रग्स बोला जाएगा। दीज ड्रग्स कंट्रोल फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओव्यूलेशन, ये जो ड्रग्स है वो फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल को, मासिक चक्र को कंट्रोल करता है और अंडोत्सर्ग को भी कंट्रोल करता है ताकि प्रेग्नेंट ना हो। अब देखो भाई ये दवा जो है वो फीमेल को लेना है, मेल को नहीं लेना है, नहीं तो आप खाली है तो पता चला नहीं और कुछ हो जाएगा। तो क्या करना है सर, ये केमिकल्स वैसा केमिकल्स हुआ जो प्रेगनेंसी को कंट्रोल करेगा। तो प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने का बहुत सारा उपाय, आपको दवा खाना होगा, तो कौन सा दवा खाना होगा सर, जो मार्केट में मिलता है, मार्केट नाम है, बाजार नाम है सहेली, ये एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स है, मायफेप्रिस्टोन, जिसको हम लोग बोलेंगे मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, मतलब सुबह में खाना है, प्रोजेस्टोन, प्रोजेस्टोजेन ओनली पिल, जिसको पॉप के नाम से मिलेगा, लॉन्ग एक्टिंग पिल, जिसको वन शॉट पर मंथ, ये वन शॉट पर मंथ, ये हुआ आपका क्या बाजार नाम हुआ, वन शॉट पर मंथ मतलब महीने में एक बार आपको खाना है। तो ये सब जो ड्रग्स हैं सब कैसा है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, जो क्या करेगा, प्रेगनेंसी को कंट्रोल करेगा
और ये सिर्फ और सिर्फ दवा जो लेंगे वो महिलाएं लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एंटीहिस्टामिन्स। एंटीहिस्टामिन्स, एंटीहिस्टामिन्स आर द केमिकल्स विच एबॉलिश, एंटीहिस्टामिन्स वैसा केमिकल्स है जो हटाता है, एबॉलिश मतलब हटाना, हटाता है द मेन एक्शन ऑफ हिस्टामिन्स रिलीज इन आवर बॉडी, जो हमारे बॉडी में जो मेन हिस्टामिन जो रिलीज हो रहा है उसको हटाएगा एंड हेंस प्रिवेंट एलर्जिक एक्शन और इस एलर्जिक एक्शन को रोकता है। इसे सीखिए, एंटीहिस्टामिन्स वैसा केमिकल्स हुआ जो हमारे बॉडी में हिस्टामिन रिलीज हो रहा है उसको हटाएगा ताकि उसमें एलर्जिक एक्शन को क्रिएट नहीं होने देगा। तो कैसे पता चलेगा कि एलर्जिक एक्शन हो रहा है? एलर्जी हो रहा तो एलर्जी होता तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या मिलेगा सर? स्किन रैश कर जाए, इचिंग ऑफ आईज, आईज में इचिंग होगा मतलब यहाँ पे जम जाना, वॉमिटिंग टेंडेंसी, उल्टी टाइप का लगेगा भाई, स्नीजिंग, छींक आएगा, नोज फ्लोटिंग, नाक बैठ जाएगा, जम जाएगा, नाक उतरना होगा, और ड्यू टू एलर्जिक एक्शन से, ये सब एलर्जिक एक्शन की वजह से होता है। स्किन रैश करेगा, स्किन फटेगा, इचिंग ऑफ आईज होगा, आंख में आंख जम जाएगा, वॉमिटिंग टेंडेंसी होगा, स्नीजिंग होगा, छींक आएगा, नोज फ्लोटिंग होगा, ये सब एलर्जिक एक्शन। और अगर एंटीहिस्टामिन्स आप लेते हैं तो ये सब कुछ नहीं होगा। जैसे हिस्टामिन्स, टर्फिनाडाइन, सिट्रिजिन, ज्यादातर को ये यूज करते हैं एंटी एलर्जिक एक्शन को रोकने के लिए, और ब्रोमफिनारामिन, ये सब यूज किया जाएगा एंटीसेप्टिक के रूप में। तो संक्षिप्त में याद रखिए, एंटीहिस्टामिन्स वैसा केमिकल्स हुआ जो बॉडी में हिस्टामिन रिलीज हो रहा है उसको एबॉलिश करेगा, हटाएगा और साथ ही साथ एलर्जिक एक्शन को रोकेगा। एलर्जिक एक्शन जो होता है वो आपको लक्षण देखने को मिलेगा, स्किन रैश करेगा, वॉमिटिंग टेंडेंसी होगा, छींक आएगा, आँख जम जाएगा, नोज फ्लोटिंग होगा, इचिंग ऑफ आईज होगा, ये सब जो है वो एंटीहिस्टामिन्स रोकता है सर। जैसे सब दवा लेना होगा इसको रोकने के लिए। चलिए नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स। एच नंबर एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स भी आप बहुत बार परिचित है इससे। एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल्स, एंटीबायोटिक्स केमिकल्स है विच प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डेवलप होता है, सच एज बैक्टीरिया, मॉल्ड, फंगी, एंड इट इज यूज्ड टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब एंटीबायोटिक्स एक केमिकल्स है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डेवलप होगा और इसको यूज किया जाएगा दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए। पेनिसिलिन याद रखेंगे, पेनिसिलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक विच वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेनिसिलिन का सबसे पहला खोज कौन किया था, तो कौन खोज किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। या फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन था भाई? पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक विच वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्लियर है? कौन कौन सा आएगा एंटीबायोटिक्स में? पेनिसिलिन, पेनिसिलिन के एफ एक्स वाई चार को आएगा, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरएम्फेनिकोल, ऑफ्लॉक्सिन, अमीनोग्लाइकोसाइड्स, दिस आर द एंटीबायोटिक्स। ये सब सभी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है और यूज किया जाता है दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए। टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, दो प्रकार का एंटीबायोटिक्स मिलेगा, एक बैक्टीरियोसाइडल और एक बैक्टीरियोस्टैटिक। देखो सर, हमने भी क्या बोला कि एंटीबायोटिक्स में बनाया जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, यूज किया जाएगा दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए। अब गया है मारने के लिए, गया तो वहां पे दो चांस हो सकता है, हो सकता है कि उसका दोस्त निकल जाएगा, दोनों सेंसे हो जाएगा, या हो सकता है ऐसा कि दुश्मन निकल जाएगा, दुश्मन होगा तो मार देगा, दोस्त होगा तो टाइड अप कर जाएगा, मिल जाएगा। तो बैक्टीरियोसाइडल विच किल द बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को किल कर देगा वो बैक्टीरियोसाइडल। पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन। बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोस्टैटिक में क्या करेगा? छोड़ देगा, निरंतर छोड़ देगा। विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, दर्शाएगा, मतलब बढ़ते रहेगा। जैसे पेनिसिलिन के एफ एक्स वाई क्लोरएम्फेनिकोल, ये सब जो है बैक्टीरियो, इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं मारेगा, इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारेगा, ठीक है। ये हुआ एंटीबायोटिक्स, इंपॉर्टेंट था एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट है, इसी में आएगा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बोला जाएगा द एंटीबायोटिक्स विच किल और इनहिबिट द वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया।
वैसा एंटीबायोटिक जो मार देगा या दर्शाएगा, दोनों काम कर सकता है, छोड़ देगा भी या फिर मार भी देगा। वाइड रेंज ऑफ, बहुत सारे रेंज में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मार देगा या छोड़ देगा, उस टाइप का एंटीबायोटिक्स को बोला जाएगा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। और अगर केवल इनहिबिट करेगा, इफेक्टिव होगा, थोड़ा सा इफेक्टिव होगा, तो उसको बोला जाएगा नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स विच आर इफेक्टिव, विच आर इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर कॉल्ड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। मतलब दोनों का क्या है, इसमें भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसमें भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या नेगेटिव बैक्टीरिया को मार दे रहा है या छोड़ देगा, लेकिन ये थोड़ा सा प्रभावशाली होगा, इफेक्टिव होगा। समझ में आया? नेक्स्ट है एनाल्गेसिक्स, इंपॉर्टेंट है एनाल्गेसिक्स। एनाल्गेसिक्स बोला जाएगा द केमिकल्स विच आर यूज फॉर रिलीविंग पेन और फीवर, वैसा केमिकल जिसको यूज किया जाएगा दर्द से छुटकारा पाने के लिए या बुखार से छुटकारा पाने के लिए, उसको बोलेंगे क्या, एनाल्गेसिक्स। एनाल्गेसिक्स वैसा केमिकल्स जिसको यूज किया जाएगा दर्द से छुटकारा पाने के लिए या बुखार से छुटकारा पाने के लिए, उसको क्या बोला जाएगा, एनाल्गेसिक्स। एनाल्गेसिक्स में कौन कौन सा आ रहा है, एस्पिरिन, पैरासिटामोल, हीरोइन, मॉर्फिन। वो हीरोइन हीरोइन वाला नहीं है, हीरोइन है जस्ट गांजा, हम तो सुनेंगे जस्ट वाला नशीला पदार्थ हीरोइन वही होता है। एनाल्गेसिक्स दो प्रकार का, नॉन नार्कोटिक ड्रग्स और एक नार्कोटिक ड्रग्स। नॉन नार्कोटिक ड्रग्स में क्या होगा, एस्पिरिन एंड पैरासिटामोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ नॉन नार्कोटिक ड्रग। एस्पिरिन और पैरासिटामोल जो है वो नॉन नार्कोटिक ड्रग के क्लास से बिलोंग करेगा। अच्छा, एस्पिरिन जो है वो बनता है 2-acetoxybenzoic एसिड को जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एस्पिरिन का फॉर्मेशन होगा, जो अभी आपको मिलेगा पॉल्स रिएक्शन जब पीछे बताएंगे तब। These are effective for relieving skeleton pain. ये क्या होता है, skeleton pain को दर्द से छुटकारा देता है, reducing fever, बुखार को कम करता है। तो बुखार को कम करता है, जो हड्डी का दर्द जो होता है उससे छुटकारा मिलता है, उस टाइप का ड्रग्स को बोला जाएगा क्या, नॉन नार्कोटिक ड्रग्स। क्लियर है? एंटीपायरेटिक ड्रग्स, बुखार की दवा। एंटीपायरेटिक ड्रग्स बुखार की दवा, नाम तो यही क्लियर है। द ड्रग्स विच bring down the temperature during fever, वैसा ड्रग्स, वैसा केमिकल्स जो क्या करता है, जो